तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बोला है, इन दोनों का क्रॉस इसके इक्वल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस ए प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करें ना, ए ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई और करेंगे, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। अच्छा हमको एक चीज़ पता है, अगर सेम का क्रॉस करते हैं तो वो ज़ीरो आता है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा, इन दोनों बीच का एंगल कितना है, ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो कितना है, ज़ीरो, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर लिखे तो क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दैम, तो ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो आता है। उसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी। और हम लोग को यही पता है कि ए क्रॉस बी निगेटिव अगर कर दे तो बी क्रॉस ए हो जाता है, जबकि ए डॉट बी में नहीं होता, ए डॉट बी इक्वल होते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये एंगल के साथ आता है, डायरेक्शन के साथ, इसलिए इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, दोनों क्या हो जाएंगे, टू ए क्रॉस बी। अब देखिए मैच कर रहा है ना, तो ये प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, थोड़ा बहुत क्रॉस का रूल लगेगा वहाँ साइड में लिखा हुआ जो, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन।